हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। ठीक है, ट्रिपल सिक्स पेपर सॉल्विंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी तक क्या कर लिया, चार पेपर 50-50 के सेट का सॉल्व कर लिया। ठीक है, आज हम लोग पाँचवा सेट सॉल्व करेंगे, जो क्या होगा 50 क्वेश्चन इसमें भी होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। पहला क्वेश्चन कह रहा है, F12 को प्रेस करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, F12 एक की होती है, F12 इसको प्रेस करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, ए सेव एज डायलॉग बॉक्स, बी ओपन डायलॉग बॉक्स, सी सेव डायलॉग बॉक्स और डी क्लोज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर है क्या, इसका सही आंसर है ए सेव एज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, F12 दबाने से क्या ओपन होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 मतलब जो कि 2 है हमारा। ठीक है, सेट में किसी इमेज को कैप्चर करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी इमेज को कैप्चर करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है ताकि वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाए। ठीक है, ए मॉडम, बी सॉफ्टवेयर, सी स्कैनर या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सी स्कैनर। स्कैनर से ही पिक्चर को स्कैन करके हम सिस्टम में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 52। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए कॉन्फ़िगरेशन, बी डाउनलोड, सी इंस्टॉलेशन या डी अपलोड। तो इसका सही आंसर है डी अपलोड। ठीक है, डी अपलोड। ठीक है, डाउनलोड क्या होता है, आप डाउनलोड क्या करते हैं भाई, डाउनलोड सिस्टम में करते हैं और अपलोड मतलब सिस्टम से कहीं पे करना अपलोड। ठीक है, आइए ऐसे कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 53। ऐसे कंप्यूटर जो यात्रा करने के दौरान उपयोगकर्ताओं के लिए पोर्टेबल और सुविधाजनक डिवाइस होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 53। ऐसे कंप्यूटर जो यात्रा करने के दौरान उपयोगकर्ताओं के लिए पोर्टेबल और सुविधाजनक डिवाइस होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। देखते हैं, ए सुपर कंप्यूटर, बी प्लेनर्स, सी मिनी कंप्यूटर या डी लैपटॉप। तो इसका सही आंसर है डी लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप इसका सही आंसर है क्योंकि लैपटॉप ही है जिसको हम लोग पोर्ट करके क्या करते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 54। एक ऐसा सिग्नल जिसके लिए कंप्यूटर यूजर से कमांड प्राप्त करने के लिए इंतजार करता है उसे क्या कहते हैं। एक ऐसा यूज़र, ठीक है, एक ऐसा सिग्नल जिसके लिए कंप्यूटर यूज़र से कमांड प्राप्त करने के लिए इंतजार करता है उसे क्या कहते हैं। ए फॉन्ट, ठीक है, बी इंटरप्ट, सी इवेंट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ए प्रॉम्प्ट। ठीक है, सही आंसर क्या है, प्रॉम्प्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 55। बैकअप क्या है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, बैकअप क्या है। तो इसका देखते हैं, ए बैकअप किए हुए इंफॉर्मेशन को रिस्टोर करना, बी सिस्टम इंफॉर्मेशन की एक्सेट कॉपी बनाना, सी सिस्टम क्रैश या विफलता की स्थिति में सिस्टम को चलाने की क्षमता या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। जो ऊपर ऑप्शन दिए हैं आपको, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं इस ऑप्शन के वजह, इस क्वेश्चन में बैकअप क्या है इसका, ये तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 56। ई कॉमर्स क्या है। ठीक है, ठीक है, ई कॉमर्स क्या है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए इंटरनेशनल गुड्स को बेचा और ख़रीदा जाता है, बी इंटरनेट के जरिए प्रोडक्ट और सर्विस को बेचा और ख़रीदा जाता है, ठीक है, सी कंप्यूटर के जरिए प्रोडक्ट को बेचा या ख़रीदा जाता है या डी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बेचा या ख़रीदा जाता है। ठीक है, तो 56 का आंसर क्या है, 56 का आंसर है बी। ठीक है, इंटरनेट के जरिए प्रोडक्ट और सर्विस को बेचा और ख़रीदा जाता है। ठीक है,
इसका सही आंसर क्या है? बी, इंटरनेट के जरिए प्रोडक्ट और सर्विस को बेचा या खरीदा जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या कह रहा है? टास्क पेन क्या है? ठीक है, टास्क पेन स्थित होता है कहाँ? स्थित होता है भाई टास्क पेन, ए स्टार्ट मेनू में, बी क्विक लॉन्च टूल बार पर, सी स्क्रीन के नीचे, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या कहा हमने? टास्क पेन कहाँ स्थित है? ठीक है, ए स्टार्ट मेनू में, बी क्विक लॉन्च टूल बार में, सी स्क्रीन के नीचे, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, स्क्रीन के नीचे टास्क पेन होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, आमतौर पर आप एक आइकन के माध्यम से रिसाइकल बिन तक पहुंचते हैं, वह आइकन कहाँ स्थित होता है? ठीक है, आमतौर पर आप एक आइकन के माध्यम से रिसाइकल बिन तक पहुंचते हैं, वह आइकन कहाँ स्थित होता है? ए डेस्कटॉप पर, बी शॉर्टकट मेनू पर, सी हार्ड ड्राइव पर, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कि आपका रिसाइकल बिन का जो भी आपका क्या है आइकन है वो कहाँ होता है? डेस्कटॉप पर होता है। ठीक है, ए डेस्कटॉप पर। क्वेश्चन नंबर 59। डैश एक सूचना का संग्रह है जो निर्धारित करता है कि आप कौन सी फाइलों तक पहुंचते हैं और आप किस सेटिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? डैश एक सूचना का संग्रह है जो निर्धारित करता है कि आप किस कौन सी फाइलों तक पहुंचते हैं और आप किस सेटिंग का उपयोग करते हैं। ए नेटवर्क, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी यूज़र अकाउंट, या डी फाइल सिस्टम। इसका सही आंसर है सी यूज़र अकाउंट। ठीक है, यूजर अकाउंट क्या है? एक सूचना संग्रह है जो निर्धारित करता है कि आप कौन सी फाइलों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 60। रिसाइकल बिन कब तक डिलीट किए गए आइटम को स्टोर करके रखता है? ठीक है, ए कोई अन्य यूजर लॉग ऑन करता है जब तक आप खाली नहीं करते हैं तब तक, कंप्यूटर के शट डाउन होने तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है 60 का बी, जब तक आप खाली नहीं करते हैं तब तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। एक यूनिट के रूप में स्टोर की जाने वाली इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? एक यूनिट के रूप में स्टोर की जाने वाली इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को क्या कहते हैं? ए फोल्डर, बी पाथ, सी फाइल, या डी फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, क्या ऑप्शन है? ए फोल्डर, बी पाथ, सी फाइल, या डी फाइल एक्सटेंशन। तो इसका सही आंसर है सी फाइल। ठीक है, क्या सही आंसर है दोस्तों? सी फाइल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 62। एक साथ समूहित इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस किस चीज़ को प्रदर्शित करती है? ठीक है, एक साथ समूहित मतलब एक साथ ग्रुप में इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस किस चीज़ को प्रदर्शित करती है? ए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, बी कंप्यूटर सिस्टम, सी सर्किट बोर्ड, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 62 का बी, क्या कंप्यूटर सिस्टम। पूरा कंप्यूटर इन सब चीज़ों से ही बना होता है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस मिलके क्या बनती है? कंप्यूटर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 63। कंप्यूटर का ऐसा कौन सा हिस्सा होता है जो टेम्परेरी फाइल को स्टोर करता है? ठीक है, कंप्यूटर का ऐसा कौन सा हिस्सा होता है जो टेम्परेरी फाइल को स्टोर करता है? ए रोम मेमोरी, बी हार्ड ड्राइव, सी रैम, या डी प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर है 63 का, ये है आपका सी रैम। रैम आपका क्या होता है भाई? रैम टेम्परेरी मेमोरी को स्टोर करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 64। स्क्रीन पर आपको एक ब्लिंक करता हुआ एक सिंबल प्रदर्शित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ए डिलीट की, बी कर्सर, सी एरो की, डी रिटर्न की। ठीक है, जब स्क्रीन पे कोई ब्लिंक करता हुआ आपको दिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर है बी कर्सर। ठीक है, आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिससे मैं रेड कर रहा हूँ, इसको भी कर्सर ही कहते हैं। ठीक है, आइए 65 क्वेश्चन। टेबल कॉलम में संख्या आमतौर पर स्थित होती है। ठीक है, टेबल कॉलम में संख्या कितनी स्थित होती है आमतौर पर देखते हैं? ए राइट अलाइन, बी जस्टिफाई, सी लेफ्ट अलाइन, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का क्या है आंसर? 65 का आंसर नंबर सी, लेफ्ट अलाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66।
जब पहली बार फाइल को सेव किया जाता है तब क्या करना होता है? ठीक है, जब पहली बार फाइल को सेव किया जाता है तब क्या करना होता है? ए, एक कॉपी ऑटोमेटिकली प्रिंट होती है, इसे पहचानने के लिए एक नाम दिया जाता है, सी, इसे नाम देने की ज़रूरत नहीं है, डी, इनमें से कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका बी, इसे पहचानने के लिए एक नाम देते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा नाम देते हैं कि जब वो फाइल सेव हो जाए उसके बाद जब हम उसे देखें या पढ़ें कहीं से तो हमें पता चल जाए कौन सी फाइल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, मेनू पर प्रत्येक डैश एक विशिष्ट क्रिया करता है। ठीक है, 67, मेनू पर प्रत्येक डैश एक विशिष्ट क्रिया करता है, ए क्लाइंट, बी फोल्डर, सी कमांड या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? सी कमांड। मेनू पर कमांड एक विशिष्ट क्रिया करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 68, लाइंस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का टाइप है? ठीक है, लाइंस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का टाइप है? ए शेयरवेयर, बी ओपन सोर्स, सी कॉमर्शियल या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर 68 का बी ओपन सोर्स। ठीक है, क्या है? बी ओपन सोर्स, लाइन आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, 69, आपके द्वारा लिखी गई एक रिपोर्ट में किसी पैराग्राफ को हटाने के लिए आप निम्न में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं? ठीक है, अगर आप लिखे हैं कुछ और एक पैराग्राफ हटाना है तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? ए डिलीट एंड एडिट, बी हाईलाइट एंड डिलीट, सी कॉपी एंड पेस्ट या डी अंडू टाइपिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 69 का बी, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे हाईलाइट और फिर उसके बाद डिलीट कर देंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 70, यदि आप किसी सेल में ये फॉर्मूला इज इक्वल टू $55.00 + 5 इंटर करते हैं तो वैल्यू आपको किस तरह से डिस्प्ले होती है? ठीक है, वैल्यू आपको किस तरह से डिस्प्ले होती है? अगर आपने क्या लिखा है 55.00 और 5, ठीक है, ए $60, बी 60, सी क्या है डबल कोट $55.00 और डबल कोट बंद +5 और या तो $60.00, जिसका सही आंसर हो जाएगा बी 60। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 60। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 71, एक्सेल फार्मूला इज इक्वल टू 20 × 10 / 4 × 8 को इवेल्युएट करेगा और उत्तर को कैसे रिटर्न करेगा? भाई हमने एक्सेल में फार्मूला लगा दिया 20 × 10 / 4 × 8। ठीक है, 20 × 10 और डिवाइडेड बाई 4 × 8, इसको करेंगे इसका सही आंसर क्या आएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, ऑप्शन ए 400, बी 625, सी 40 या डी 232। तो इसका सही आंसर आएगा डी 232। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी कॉम्बिनेशन की का प्रयोग करते हैं? ठीक है, अगर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? ठीक है, ए डेल प्लस कंट्रोल, बी एस्केप प्लस कंट्रोल, सी बैक स्पेस प्लस कंट्रोल या डी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 72 का, 72 का आंसर है डी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, इससे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सी की नंबर्स को क्विकली इनपुट करती है? निम्न में से कौन सी की नंबर्स को क्विकली इनपुट करती है? क्विकली मतलब जल्दी से इनपुट करती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 73, ए कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट, बी न्यूमेरिक कीपैड, सी फंक्शन की या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका सही आंसर है न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड आपके कीबोर्ड में अलग से जो नंबर का की दी होती है ना, अलग से ऊपर नहीं, साइड में, राइट साइड में, उसको क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 74, डीवीडी किसका उदाहरण है? ठीक है, डीवीडी किसका उदाहरण है? ए हार्ड ड्राइव, बी आउटपुट डिवाइस, सी ऑप्टिकल डिस्क या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, ए हार्ड ड्राइव, बी इनपुट आउटपुट डिवाइस, सी ऑप्टिकल डिस्क या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू कौन सा है? एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 75,
ए नॉर्मल, बी वर्क, सी ऑटो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ही एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू होता है। ठीक है, 76। निम्न में से कौन सा ऑप्शन डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रोसेस करता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने का प्रोसेस करता है? क्वेश्चन नंबर 76 पे हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। ए ट्रैकिंग, बी क्रैशिंग, सी फॉर्मेटिंग, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग करने से क्या होता है, आप पूरे डिस्क को सेक्टर वाइज क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो इसका आंसर है सी फॉर्मेटिंग। 77। कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट खो जाते हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर आपने बंद कर दिया तो कौन से कंटेंट इसमें होते हैं जो खो जाते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। ए स्टोरेज के, बी मेमोरी के, सी इनपुट के, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका बी मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के जो क्या होंगे, कंटेंट होंगे, वो खो जाएंगे कब, जब कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 78। कंप्यूटर बंद होने पर आपके द्वारा सेव की गई फाइल का डेटा कहाँ बरकरार होता है? ठीक है, कंप्यूटर बंद होने पर आपके द्वारा सेव की गई फाइल का डेटा कहाँ बरकरार होता है? ठीक है, 78। ए रैम, बी सेकेंडरी डिवाइस, सी मदरबोर्ड, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। ये जो भी ऑप्शन आपको दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन ऊपर वाले क्वेश्चन का 78 का सही आंसर नहीं है। ठीक है, 79 देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपको ब्राउजर में एक साथ कई वेब पेज खोलने की परमिशन देता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपको ब्राउजर में एक साथ कई क्या वेब पेज खोलने की परमिशन देता है? ए टैब बॉक्स, बी एंड्रॉयड बार, सी टैब रो, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर से सुन लेते हैं। ए टैब बॉक्स, बी एड्रेस बार, सी टैब रो, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी टैब रो। ठीक है, टैब रो क्या करता है, आपको परमिशन देता है कि आप एक साथ कई वेब पेज खोल लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप माउस के किस तकनीक का प्रयोग करेंगे? ठीक है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के जो सिस्टम में सेव है उसकी प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो आप माउस की किस तकनीक का प्रयोग करेंगे? ए ड्रैगिंग, बी राइट क्लिकिंग, सी शिफ्ट क्लिकिंग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी राइट क्लिक। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा और उसमें सबसे आखिरी ऑप्शन आपका क्या होगा, प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 तक हो गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट कहाँ डिस्प्ले होते हैं? ठीक है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट कहाँ डिस्प्ले होते हैं? एक्टिव सेल मतलब जहाँ हमारा कर्सर रहता है, जहाँ हम उस समय काम कर रहे हैं। ठीक है, ए नेम बॉक्स में, बी टास्क पेन में, सी फॉर्मूला बार में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी फॉर्मूला बार में। ठीक है, फॉर्मूला बार एक चौड़ा सा बार होता है ऊपर लंबा सा, और वो जो भी आप एक्टिव सेल में लिखते हैं वो उसमें भी दिखता है। ठीक है, आइए 82। अगर आप किसी सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप माउस की किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऊपर हो चुका है, इसको फिर से देख लेते हैं वैसे। ठीक है, तो ए ड्रैगिंग, बी राइट क्लिक, सी शिफ्ट क्लिक, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी राइट क्लिक। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 83। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट कहाँ डिस्प्ले होते हैं? इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है फॉर्मूला बार में। ठीक है, आइए 84। इंटरनेट के माध्यम से अगर आप अपने कंप्यूटर को किसी भी स्थान पर रख कर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप किस ऑपरेशन का प्रयोग करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है। ठीक है, 84 हम लोग देख रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से अगर आप अपने कंप्यूटर को किसी भी स्थान पर रख कर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? ए ईमेल, बी टेलनेट, सी इंस्टेंट मैसेज, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या है, टेलनेट। ठीक है,
टेलनेट के जरिए आप अपने सिस्टम को किसी भी स्थान पर रख कर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 85। एक वेब पेज को रीलोड करने के लिए किस बटन को प्रेस किया जाता है? ठीक है, एक वेब पेज को रीलोड करने के लिए किस बटन को प्रेस किया जाता है? ए रीलोड, बी रीस्टोर, सी रिफ्रेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, इसका सही आंसर है सी रिफ्रेश। हम क्या करते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, रीलोड कोई बटन ही नहीं होती है। ठीक है, आइए 86 पे देखते हैं। जब पॉइंटर डैश पर स्थित होता है तो यह हाथ के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, जब पॉइंटर डैश पर स्थित होता है तो यह हाथ के आकार को दिखाई देता है। ठीक है, ए फॉर्मेटिंग एरर, बी हाइपरलिंक, सी स्क्रीन टिप, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हाइपरलिंक। जब भी आप अपने कर्सर को हाइपरलिंक पे रखेंगे तो आपका कर्सर कैसा हो जाएगा, हाथ के शेप का हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है बी हाइपरलिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87। कंप्यूटर के एब्रीवेशन में केबी का आम तौर पर मतलब क्या होता है? ठीक है, कंप्यूटर में जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं जैसे GB, TB, ठीक है, तो वैसे ही केबी है, केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ए की ब्लॉक, बी किलोबाइट, सी की बाइट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी किलोबाइट। ठीक है, क्या सही आंसर है, बी किलोबाइट। ठीक है, 88। एमएस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। एमएस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसको ऑप्शन देखते हैं, ए एक्सएलएस फाइल, बी XLW फाइल, सी WKL फाइल, ठीक है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ए XLS फाइल। ये एक्सटेंशन आपका किस में होता है, एमएस एक्सेल का। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में कौन सा फंक्शन उपलब्ध नहीं होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89। कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन या फंक्शन उपलब्ध नहीं होता है? ठीक है, ए प्रिंट, बी एवरेज, सी सम या डी मैक्स। ठीक है, तो 89 का सही आंसर क्या है, ए प्रिंट। ठीक है, प्रिंट वाला आपको कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में नहीं मिलता है, बाकी एवरेज, सम और मैक्स तीनों मिलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 90। यदि आपको किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर को एडिट करने की आवश्यकता होती है तो आपको यह ऑप्शन किस मेनू में मिलेगा? ठीक है, अगर आपको किसी भी डेटा में हेडर या फुटर लगाना है या उसको एडिट करना है तो वो हेडर और फुटर आपको कहाँ से मिलेगा? ठीक है, ए इंसर्ट, बी एडिट, सी व्यू या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपको हेडर फुटर मिलेगा ए इंसर्ट में से। कहाँ से ये आपको मिलेगा, ए इंसर्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। B2B एक ऐसा व्यापार नेटवर्क है जो किसी विशेष विक्रेता को अपने व्यापार भागीदारों से जोड़ता है। ठीक है, B2B, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा हमने, B2B एक ऐसा व्यापार नेटवर्क है जो किसी विशेष विक्रेता को अपने व्यापार भागीदारी से जोड़ता है। तो ए बिट्स ट्रीम, इसका फुल फॉर्म क्या है देखते हैं, बी वेब कम्युनिकेशन, सी वर्चुअल नेटवर्क या डी प्राइवेट ट्रेडिंग नेटवर्क। तो 91 का सही आंसर है डी प्राइवेट ट्रेडिंग नेटवर्क, ये आपका क्या है, B2B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92। एक प्रोग्राम जो लिखित दस्तावेज बनाने में मदद करता है और आपको वापस जाने और आवश्यकता अनुसार सुधार करने में सुविधा देता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 फिर से पढ़ दे रहा हूँ। एक प्रोग्राम जो लिखित दस्तावेज बनाने में मदद करता है और आपको वापस जाने और आवश्यकता अनुसार सुधार करने में सुविधा देता है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, ए होम रोकीज, ठीक है, बी टूल बार, सी फोल्डर या डी वर्ड प्रोसेसर। ए होम रोकी, बी टूल बार, सी फोल्डर या डी वर्ड प्रोसेसर। तो 92 का सही आंसर क्या है, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन मुख्य स्मृति के रूप में जाना जाता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन मुख्य स्मृति के रूप में जाना जाता है? ए हार्ड डिस्क, बी रैम,
सी रोम या डी फ्लॉपी डिस्क। तो इसका सही आंसर क्या है, मुख्य मेमो स्मृति का मतलब होता है मेन मेमोरी, ठीक है। इसका सही आंसर है रैम इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, रैम कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, CGI का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, क्या CGI का फुल फॉर्म क्या है? ए कॉमन ग्राफिक इंटरफेस, बी कॉमन गेटवे इंटरफेस, सी कॉमन गेटवे इंटरचेंज, या डी कंप्यूटर गेटवे इंटरफेस। तो इसका सही आंसर है बी, क्या कॉमन गेटवे इंटरफेस। इसका सही आंसर क्या है, बी कॉमन गेटवे इंटरफेस, ठीक है। 95 देखते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। अगर आपको विंडो एक्सप्लोरर ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। 95 क्वेश्चन नंबर, विंडो प्लस ई, विंडो प्लस डब्ल्यू, विंडोज प्लस ओ, या कंट्रोल प्लस ओ। तो इसका सही आंसर है ए विंडोज प्लस ई, ठीक है। क्या है सही आंसर, इसका सही आंसर है ए विंडोज प्लस ई, ठीक है। आइए 96 देखते हैं, ओपन हुई स्क्रीन में मुख्य घटक होते हैं ए विंडोज डेस्कटॉप, ठीक है, बी स्टार्ट बटन, सी नोटिफिकेशन एरिया, डी उपरोक्त सभी, ठीक है। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, ओपन हुए स्क्रीन में मुख्य घटक होते हैं ए विंडोज डेस्कटॉप, बी स्टार्ट बटन, सी नोटिफिकेशन एरिया, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, डी उपरोक्त सभी, ऊपर के सभी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, ठीक है। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, कॉलम के किसी भी सेल पर डबल क्लिक कर दें, ठीक है, कॉलम में टॉप सेल पर, कॉलम में लास्ट सेल तक ड्रैग करें, कॉलम हेडिंग पर क्लिक करें, या कंट्रोल प्लस ए करें, ठीक है। क्या है कॉलम को सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ए कॉलम के किसी भी सेल पर डबल क्लिक करें, बी कॉलम में टॉप सेल पर, टॉप सेल से कॉलम में लास्ट सेल तक ड्रैग करें, सी कॉलम हेडिंग पर क्लिक करें, या डी कॉलम कंट्रोल प्लस ए करें। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 97 का, क्वेश्चन नंबर 97 का है सी कॉलम हेडिंग पर क्लिक करें। आप हम हेडिंग पर क्लिक कर देंगे तो पूरी कॉलम क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 98, इंटरनेट पर हर एक डिवाइस का यूनिक पता होता है, ठीक है, इंटरनेट पर हर एक डिवाइस का यूनिक पता होता है, उसको हम क्या कहते हैं, DHCP, IPVPP, या DTH, या IP, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 98 का डी IP, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, IP एड्रेस बोलते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 99, वर्म का फुल फॉर्म क्या है, वर्म का फुल फॉर्म क्या है। 99 क्वेश्चन, ए राइट वंस रीड मेनी, बी राइट ऑन रैंडम मेमोरी, सी वर्क ऑन रियल मेमोरी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राइट वंस रीड मेमोरी, ठीक है, W से राइट हो जाएगा, O से वंस, R से रीड, और M से मेनी, ठीक है, रीड वंस, सॉरी राइट वंस रीड मेनी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 100, ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल तत्व क्या होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल तत्व क्या होता है, ए कमांड डॉट कॉम, बी कैनल, सी NTLDR, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी कर्नल, ठीक है। क्या है सही आंसर, कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल तत्व क्या होता है, बी कर्नल, ठीक है। हम लोग ने आज 50 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, पांचवें सेट का। हम लोग अगली क्लास में 50 क्वेश्चन और देखेंगे हिंदी के, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।